So guys, this is the fourth part of Facebook Ads Marketing Zero to Hero. इस वीडियो को शुरू करने से पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में, कंपोनेंट ऑफ फेसबुक एड, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फेसबुक एड्स, उसमें एक चीज बताया था मैंने एड कॉपी के बारे में। अगर आपने गाइज बिलीव मी, अभी से आपने एड्स कॉपी को देखना और बाय हैंड, मैं गूगल डॉक्स की बात नहीं कर रहा, मैं टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा, मैं की नोट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपके हाथ की, अपने हाथ से आपको कॉपीज लिखनी है। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे कहा था कि आपको अपने हाथ से हेडलाइंस लिखनी है, अपने हाथ से हेडलाइन लिखनी है, कॉपी लो पर्टिकुलर और उसमें जो भी प्रोडक्ट आपको मिलता है उसका हेडलाइन लिखना स्टार्ट करो, ज्यादा से ज्यादा हेडलाइंस लिखो, तभी आप किसी भी प्रोडक्ट का, कोई भी प्रोडक्ट का कुछ भी हेडलाइन इजी लिख पाओगे और उसमें एक्सपर्ट बन पाओगे। कब? जब आप लिखना सीख जाओगे एड कॉपीज, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एड कॉपी जो होती है वो फ्रंट में रहती है और वही पूरा गेम होती है। So let's go. So my name is TN. You are watching as usual online money. अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो make sure आप subscribe करके bell का icon जरूर press करो और guys आप इस वीडियो को like करो because आपका एक like मुझे बहुत ज़्यादा motivate करता है आप लोगों के लिए ऐसे videos लेके आने के लिए। और please मुझे comment में बताओ क्या आपने ad copy लिखना start किया है या नहीं किया है। एकदम loyal रहो और please करने क्या वाले हो बताओ मुझे कमेंट में, स्टार्ट किए हो या नहीं किए हो या करने वाले हो, प्लीज जो भी है कमेंट में मुझे कमेंट करके बताओ। एक सेकंड लगेगा कमेंट करने में, जाओ कमेंट करो और मुझे बताओ अभी के अभी। अब गाइस आज की वीडियो में मैं आपको वो स्टेज बताने वाला हूँ, वो फोर्थ पार्ट, जिस फोर्थ पार्ट में आज अभी मैं बताने वाला हूँ प्रोडक्ट। दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं जिनको एफबी एड के थ्रू सेल किया जाता है, मैं सेलिंग टर्म की बात कर रहा हूँ जहाँ सेल होती हैं चीजें। दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, ओके, मैं पूरा आपको समझाऊंगा सही से किस प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं और उनमें क्या होता है कि आप जब भी किसी का भी एड या अपना खुद का एड रन करने जाओ तो आपके दिमाग में इसकी पूरी स्ट्रेटजी रहे कि कैसे चीजें होती हैं, राइट। तो आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो गाइज, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज शेयर करो वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकें, प्लीज। सो ये कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका होता है प्रोडक्ट ऑफर। जब भी आप कोई सेल, मतलब कोई सेल करने का कैंपेन रन करने जाते हो, सबसे पहले आपका होता है ये चीज, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ओके। सो प्रोडक्ट ये जो है, ये जो चीज होती है ये सबसे पहले आपके पास होती है प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट होता है या तो लो प्रोडक्ट या तो हाई प्रोडक्ट, ठीक है। लो प्रोडक्ट को फेसबुक एड्स कैंपेन और फेसबुक एड्स मार्केटिंग के भाषा में इम्पल्स परचेस भी बोलते हैं, ठीक है, इम्पल्स परचेस, राइट। अब क्या होता है, जो लो प्रोडक्ट होता है इम्पल्स परचेस होता है, दोनों एक ही चीज है, ओके। आप लो प्रोडक्ट याद रखो इसको, लो प्रोडक्ट, ताकि आपको दिमाग में आपके हमेशा रहे कि लो प्रोडक्ट, ओके, आसानी से याद रहे। अब लो प्रोडक्ट जो है इसमें एक चीज होती है, जो चीज होती है ऑफर। लाइक आपने देखा होगा दिवाली में या कोई भी अच्छा ओकेशन आता है तो उसमें जो अमेजोन है, जो फ्लिपकार्ट है, वो लोग सेल लगाते हैं। अब उसमें वो लोग करते क्या है, वो लोग करते हैं कि ऑफर की एक खरीदो दो फ्री या 25% फ्री या 50% फ्री, देखो हर चीज में ऑफर देते हैं, राइट, लो कॉस्ट के प्रोडक्ट में। तो इसको बोलते हैं लो प्रोडक्ट मार्केटिंग, लो प्रोडक्ट परचेस, राइट। तो ये होता है फेसबुक एड्स में जब आप लो प्रोडक्ट को का कैंपेन रन करते हो, ओके। तो उसमें एक ही चीज होती है सिर्फ ऑफर की, उस चीज को कोई मात दे ही ना सके, मतलब कोई दूसरा आए और उसी प्रकार का, उसी टर्म का प्रोडक्ट प्रमोट कर ही ना सके आपके साथ, आपके सामने, राइट। तो इसको बोलते हैं लो प्रोडक्ट, ठीक है। तो लो प्रोडक्ट में एक ऑफर होता है और इसमें तीन चीजें होती हैं जो लिटरली काम करती है। लाइक जैसे आपने एक फेसबुक एड बनाया तो आप करोगे क्या, आप ट्रैफिक उस पर लाओगे, आपका जो फेसबुक एड है उससे आप ट्रैफिक लाओगे, ये चीज ट्रैफिक, आप पहले अपने प्रोडक्ट पर ट्रैफिक लाओगे। देन पेज, आपका पेज जैसे कि मैंने बताया था एक कंपोनेंट था पेज आपका, और लैंडिंग पेज जो मैंने कहा था आपको कि इसमें तीन चीज होती है, स्टोरी, ऑफर और हुक, हुक स्टोरी ऑफर, ठीक है। ये जो तीन चीज होती है इसको आपको पर्टिकुलर सही से लिखना है और ये कब आएगा, जब आप अपने हाथ से लिखना स्टार्ट करोगे। मैं आपको गूगल डॉक में या कहीं टेक्स्ट में लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ आप अपने हाथ से लिखो तब आप अच्छे से अच्छा
एड कॉपी लिख पाओगे और वैसे ही लैंडिंग पेज। तो आप ये दो काम करो, ठीक है। अब तीसरा जो लो प्रोडक्ट में आता है उसको बोलते हैं रीमार्केट। जो पिक्सल होता है उससे हम बार बार उन लोगों को दिखाते हैं जो लोग हमारा एड पहले देख चुके होते हैं। टेंशन मत लो, पिक्सल क्या होता है आगे आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा। तो रीमार्केट हम बार बार करते हैं और हमारा लो प्रोडक्ट सेल हो जाता है। तो इस प्रकार अपना जो लो प्रोडक्ट थ्योरी है फेसबुक एड कैंपेन के साथ काम करता है, ठीक है। हर केसेस में 99% केसेस में ऐसे ही काम करता है फेसबुक एड में। अब जो दूसरी चीज है वो हाई प्रोडक्ट है। अब देखो कोई भी हाई प्रोडक्ट बेचने जाएगा, लाइक अगर मैं आपको जाऊंगा एप्पल का मोबाइल बेचने और बोलूंगा ये लो भाई इसको खरीद लो, ये आया है एप्पल 11 प्रो मैक्स, ये है 1.5 लाख रुपए में, सिर्फ 1.5 लाख रुपए में, क्या आप एक बार में खरीद लोगे? नहीं खरीद पाओगे, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कंटेंट में ब्रांडिंग एंड ऑल बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, राइट। तो अब क्या होता है, कंटेंट में आप उसको बार बार चीजें क्रिएट करोगे कि इसकी स्पेशलाइजेशन ये है और इसका एडवांटेज ये है, इसमें ये कूल फीचर्स है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉन्टेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपको ज्यादा से ज्यादा हाई प्रोडक्ट का कॉन्टेंट क्रिएट करना है। मतलब कि अगर आपको कोई भी एड रन करने के लिए दे या आप अपना एड रन करने जा रहे हो तो आपको पहले उसका एडवांटेज और उसका स्पेशल चीजें जो भी है उसको आपको आपके ऑडियंस को शो करना पड़ेगा, तभी एक हाई प्रोडक्ट सेल होता है फेसबुक एड कैंपेन बेस्ड, ठीक है, तभी सेल होता है। और ये चीजें और भी जगह यूज होती हैं, लाइक फेसबुक एड में भी आप नहीं करो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी ये चीजें काम करती हैं, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कम से कम 20-25 कंटेंट क्रिएट करने पड़ेगा, तब जाके कोई आदमी 1.5 लाख का फोन लेता है। हाँ भाई इस चीज में कोई बात है, तब जाके वो बंदा लेता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेंट क्रिएट। याद रखना जब भी आप हाई प्रोडक्ट का कैंपेन लॉन्च करने जाओगे तो पड़ेगा आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कंटेंट, और उसके बाद आपको सेटअप करनी पड़ेगी ईमेल। अब होता यह है, बेसिकली बोला जाता है कि 7 से 20 ईमेल में आपकी चीजें सेल होने लगती है। मतलब मिनिमम आपको 7 ईमेल लोगों को सेंड करना होता है, राइट। तो जब आप 7 ईमेल लोगों को सेंड करते हैं तब जाके एक हाई प्रोडक्ट सेल होता है। अब वो आप डेली करो या एक दिन गैप में करो या 1 महीने या 1 हफ्ते गैप में करो, वो डिपेंड करता है आप में, ठीक है। तो ऐसा बेसिकली माना जाता है मार्केट में, जो बड़े बड़े मार्केटर्स हुए जो इन्होंने इस चीज को लिखा वो लोग ऐसा मानते हैं, राइट। और जो लास्ट में होता है ऑफर, फिर उसके बाद मतलब पहले कंटेंट क्रिएट किया आपने, फिर उसके बाद आपने उनकी ईमेल कलेक्ट की, ये सब कैंपेन के द्वारा हो रहा है, फेसबुक कैंपेन के द्वारा, राइट। और लास्ट में आप उनको ऑफर पिच करते हो, तब जाके एक हाई प्रोडक्ट सेल होता है। तो जब भी आप जाओ किसी क्लाइंट के लिए या अपने लिए फेसबुक एड कैंपेन किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रन करने, तो आप इन दोनों स्ट्रेटजी का याद रखो, ये दो ही स्ट्रेटजी हैं जो यूज की जाती हैं, राइट। तो आप सबसे पहले फेसबुक एड से उसका कंटेंट को प्रमोट करोगे, फिर उसका ईमेल कलेक्ट करोगे, एंड देन आप ईमेल के जरिए उनको ऑफर भेजोगे या आप पिक्सल या रीमार्केटिंग का यूज करके उनको बार बार ऑफर को दिखाओगे, राइट। तो ये होता है यूज हाई प्रोडक्ट्स में। और लो प्रोडक्ट में आपको मैंने बताया कि सिर्फ ऑफर का खेल होता है, ऑफर बहुत ज्यादा जबरदस्त होना चाहिए, तुरंत चीजें बिक जाती हैं, और क्या होता है उसके बाद ट्रैफिक, फिर उसके बाद पेज पे ट्रैफिक ड्राइव करो, और उसके बाद रीमार्केट। जस्ट इतनी ही चीजें होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बहुत और भी डिटेल में चीजें बताने वाला हूं। मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं ताकि कोई भी न्यूबी सीधा यहाँ तक पहुंच सके, मतलब A to Z सीधा लैडर लगा के। बट यहाँ आपको काम करना पड़ेगा, जो होमवर्क मैंने दिया है आज से लिखना स्टार्ट करो। हर चीज की, मोबाइल देखो तो मोबाइल को कैसे बेच सकते हैं उसका चीज लिखो, कंप्यूटर देखो तो कंप्यूटर को कैसे कर सकते हैं उसका हेडलाइन लिखो, कुछ भी बाइसिकल देखो और या बाइक देखो या कुछ भी देखो, बस उसका एड कॉपी लिखना स्टार्ट करो। और प्लीज इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।